Assalamu alaikum and good morning guys, this is Musa and you are watching Travel Journal by Musa Rajput. तो अगर मैं कहूँ कि ये स्कर्दू के अंदर सेकेंड बेस्ट लोकेशन है टू स्टार्ट द मॉर्निंग तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग. लाइक सरफरंगा डेजर्ट, दिस वन इज कटपाना डेजर्ट. और कटपाना डेजर्ट भी उन कुछ जगहों में है जहाँ आप बार बार आएंगे. कटपाना और सरफरंगा के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनसे सिमिलर हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइट सेम है, 2200 मीटर्स या 7300 फुट समथिंग लाइक दैट. और उसके अलावा सैंड का कलर तकरीबन सेम है. आई थिंक सो जो सरफरंगा है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है. दोनों कोल्ड डेजर्ट्स हैं, दोनों स्कर्दू के बहुत करीब हैं. ये तो स्कर्दू सिटी के बिल्कुल अंदर ही है, मतलब स्कर्दू सिटी के बिल्कुल साथ लगता है ये. और जो सरफरंगा है दैट टेक्स अराउंड 15-20 मिनट्स फ्रॉम स्कर्दू सिटी के अगर आपने सरफरंगा डेजर्ट जाना हो. दोनों के क्लाइमेट्स भी तकरीबन सेम है, तकरीबन -20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक बेहतरीन किस्म का मौसम. और कटपाना डेजर्ट के अंदर भी स्नो होती है अच्छी खासी. लेकिन जो एक डिफरेंस है सरफरंगा में और कटपाना के अंदर वो ये है कि कटपाना के अंदर ड्यून्स बहुत ज़्यादा हैं. जैसे सरफरंगा के अंदर आपको थोड़ा बहुत ग्रेवल मिल जाता है, आप कहीं मतलब डेजर्ट के अंदर अपनी बाइक या गाड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं. यहाँ पे अगर आपने आना है तो यू नीड अ 4x4 या फिर अगर आपके पास कोई ट्रेल बाइक है तो दैट वुड डू अ सफिशिएंट जॉब. अच्छा, ये तकरीबन मेरे होटल से 22 मिनट की मुसाफत पे अराउंड 9.8 किलोमीटर्स. लेकिन वो जो व्यू पॉइंट जिधर गूगल मैप्स आपको लेके जाएगा दैट इज़ अ ब्रिज जहाँ पे आप खड़े होकर कटपाना डेजर्ट को देख सकते हैं. बट अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं और कटपाना डेजर्ट के बिल्कुल साथ चलते रहें तो यू विल रीच दिस पॉइंट जहाँ पे डेजर्ट आपके बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा. तो वहाँ से आप लोग इजीली अपनी बाइक गाड़ी साइड पे खड़ी करें और उसके बाद डेजर्ट के अंदर सुकून से वॉक करके आ जाएं. मतलब बहुत ज़्यादा आपको चलना भी नहीं पड़ेगा. वहाँ पे खड़े होके आप बस दूर से देखेंगे बड़े बड़े ड्यून्स नज़र आ रहे हैं, वेरी गुड, नाइस, ब्यूटीफुल. लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप डेजर्ट के अंदर बहुत आराम से आ सकते हैं और तहद निगाह यहाँ से आपको सिर्फ कटपाना डेजर्ट नज़र आ रहा है. सेम यहाँ पे भी आइबेक्स, हिमालयन ब्राउन बियर्स और स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं. लेकिन सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर आपको पता है आज हमारा प्लान ये था, एक्चुअल प्लान हमारा ये था कि आज हमने खड़मंग वाली साइड पे जाना था, मंठोका, खामोश, और फिर आगे हमने जाना था कारगिल वाली साइड पे. मंठोका वाटरफॉल मैंने पहले देखी हुई है, अगर आपने उसकी वीडियो देखनी है डिटेल्ड तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी लगा दूंगा. इस ट्रिप का असल मकसद ये था कि हम लोग कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जहाँ हम पहले नहीं गए और जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हों, जहाँ पर आप लोगों का भी जाने का दिल करे. उसके अंदर एक हमारे पास सियाचिन बॉर्डर था, एक हमारे पास कारगिल बॉर्डर था, उसके अलावा हमारे पास हुशे था, खपलू फोर्ट था. वो दोनों चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, वो मैंने इस बार देख ली हैं. तो सियाचिन और कारगिल का सीन ये है कि यार वहाँ जाने के लिए चाहिए होता परमिट और वो आपके भाई के पास नहीं है. तो मैं नहीं चाह रहा था कि हम लोग यहाँ से निकलें, एक हेक्टिक किस्म की राइड करें इतनी दूर और उसके बाद हमें पता लगे कि जी परमिट नहीं है तो हम वापस आ रहे हैं. तो अब हमारा आज का मुख्तसरन प्लान ये है कि हम लोग ये कटपाना डेजर्ट देखेंगे. अभी यहाँ पे रास्ते में बहुत खूबसूरत किस्म के होटल वगैरह आए थे, वहाँ से बैठ के नाश्ता वगैरह करेंगे अभी. उसके बाद मुझे 2-3 काम है स्कर्दू सिटी के अंदर. एक मैंने TCS के ऑफिस जाना है, एक मैंने बाइक का ऑयल चेंज कराना है. उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से सीधा हुसैनाबाद. हुसैनाबाद के अंदर एक है बल्टी म्यूज़ियम, देखेंगे अगर वो खुला हुआ तो वो विज़िट करेंगे. अदरवाइज़ हुसैनाबाद के अंदर एक है हुसैनाबाद वाटरफॉल, ट्राई करेंगे कि वहाँ जाएं. और अगर इन सब में से कुछ भी ना हो सका तो हम लोग सीधा चले जाएंगे ब्लाइंड लेक, क्योंकि वो दैट इज़ अ माइंड ब्लोइंग प्लेस. वहाँ पे जाके आप बहुत सुकून कंफर्टेबल हो जाते हैं. और ज़्यादा हेक्टिक किस्म की राइड में आज इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमारी बहुत हेक्टिक राइड है. कल से हमारी इंशाल्लाह यहाँ से वापसी शुरू हो जानी है. तो हम लें देवसाई जाना है, मिनीमर्ग जाना है, तरशिंग जाना है, रूपल जाना है, रामा लेक जाना है. देर आर सो मैनी प्लेसेस टू गो. तो इस वजह से आज की जो राइड है वो मैंने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सॉफ्ट सी रखी हुई है ताकि हम लोग अगले आने वाले दिनों के लिए अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखें और अगले आने वाले दिनों के अंदर हम ज़्यादा इन्जॉय कर सकें. लेडीज एंड जेंटलमैन, एन्जॉय द एरियल व्यूज ऑफ कटपाना डेजर्ट. It's 4 o'clock in the evening,
I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? तो गाइस सीन ये है कि आई ट्राइड कि मैं ड्रोन को टेक ऑफ कराऊं, इसमें पड़ा हुआ, खैर आई ट्राइड कि मैं ड्रोन को टेक ऑफ कराऊं, लेकिन ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो एंड ऑफ डेजर्ट है, इससे आगे जो है एयरपोर्ट है। तो हम लोग एयरपोर्ट की शदीद करीब वाली लोकेशन पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ रहा। एक दफ़ा उसने मेरे से पूछा कि डू यू टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी, मैंने उसको ओके किया, लेकिन जिस वक्त मैंने उसको टेक ऑफ के लिए कमांड दी तो उसने कहा नो भाई, चलो शाबाश वापस, बहुत खो गया आपका ट्रिप, 3 हफ्ते गुजर गए हैं, शाबाश घर जाओ अब आप। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब कहीं बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ हम आए हुए थे, ये सामने एक रेस्टोरेंट है, होटल है जो बंद है इस वक्त, नहीं तो हम शायद यहीं से कर लेते नाश्ता। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये एक होटल सा आता है, यहाँ पे आपके बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाता है डेजर्ट। अगर आप मेरे इस साइड पे देखें तो ये सारा कटपाना डेजर्ट का ड्यून है, और इस वक्त 7:45 होने के बावजूद कोई होटल रेस्टोरेंट जो ये रास्ते में आते हैं उनमें से कुछ भी नहीं खुला हुआ, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी अजीब एट द सेम टाइम। आपकी मतलब ये जो ट्रैक चल रहा है ना, इसमें एक साइड पे आपके सारा ड्यून है और एक साइड पे आपके सारी ग्रीन साइड है। और ये भी भाई, इसने भी दरवाजे अभी तक नहीं खोले। खैर चलते हैं आगे, देखते हैं जहाँ पे हमें नाश्ते की जगह मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे। बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक या मज़ेदार जगह नहीं मिली मुझे, तो एक ही जगह मिली है अभी तक मुझे, तो मैंने कहा यार ये भी ऐसी कहीं मिस ना हो जाए, तो हम यहाँ आ गए हैं, क्योंकि और तो कोई जगह मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार ये भी ऐसी मिस हो गई तो फिर नाश्ता डिले होता रहेगा, और नाश्ता डिले हो जाए तो फिर आपका एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता। इसका नाम है कैप्रफाल होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे सारे रूम्स हैं, ऊपर इस साइड पे सारे रूम्स हैं, इस साइड पे सारे रूम्स हैं, ये छोटा सा रेस्टोरेंट एरिया बनाया हुआ। तो अब नाश्ता आता है तो देखते हैं नाश्ता क्या सीन है। तो गाइस नाश्ता हमारा आ चुका है, फ्राइड ऑमलेट एज़ यूजुअल, एक पराठा और चाय। पराठा यहाँ पे भी बड़ा अच्छा क्रिस्पी किस्म का है और तय वाला है, तो जगह जैसी मर्जी हो नाश्ता अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई तय वाला पराठा, बेहतरीन किस्म का,
बस ठीक है, नॉर्मल नाश्ता, मतलब जैसा नॉर्मल नाश्ता होता है वैसा ही है, कोई खास मज़ेदार चीज़ नहीं है। हालांकि इसी यूजुअल नाश्ते के अंदर हमने इस ट्रिप के अंदर काफ़ी और वेरिएशंस देखी हैं, जिसके अंदर बहुत बहुत मज़े का ऑमलेट भी होता था, फ्राई अंडे को कुछ कह नहीं सकते, वो एक जैसा ही होता है। खैर अब यहाँ से नाश्ता करते हैं। 2000 years later. तो गाइज हम दोनों कामों से फारिग हो चुके हैं, TCS से भी और ऑयल चेंज वाले से भी, तो अब लेट्स गो एंड एक्सप्लोर समथिंग। मेरे कंधे थोड़े से फ्री हुए हैं, बैग मैंने उतार के अपना वापस टॉप बॉक्स में रखा, इट फील्स गुड। खैर अब सीधा चलते हैं यहाँ से हुसैनाबाद। हुसैनाबाद में है एक हुसैनाबाद वाटरफॉल, वो देखते हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:15, तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे फारिग भी हो गए। खैर गाइज वी आर एट द हुसैनाबाद वाटरफॉल। आई एम नॉट श्योर कि कैसी जगह होगी, लेकिन लेट्स सी, एक अच्छा रिजॉर्ट टाइप से बना हुआ है। सो गाइज हुसैनाबाद वाटरफॉल 100 रुपीज़ मेंटेनेंस फी है, ये छोटा सा रिजॉर्ट टाइप से बना हुआ है। वाटरफॉल के लिए आपको थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा आगे तक, जो मैं जा रहा हूँ। सो दिस राइट हियर इज द वाटरफॉल। मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, ये तो शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग हुसैनाबाद वाटरफॉल का सोच के आ रहे हैं, तो आप ये याद रखें कि 2 मिनट सिर्फ आपने चलना है रिजॉर्ट के अंदर एंटर होने के बाद, और ये एक खूबसूरत जगह आ जाएगी आपके सामने। एंड दैट इज अबाउट इट। ये बस एक वाटरफॉल है जो हुसैनाबाद से नीचे को फ्लो कर रही है, दैट इज इट। सो गाइज हम लोग यहाँ से फारिग हो गए हैं हुसैनाबाद वाटरफॉल से। अगर आप इसी रास्ते को आगे लेके जाएंगे तो आगे एक मशहूर रॉक्स, मशहूर ज़माना, आपको पता ही होगा, इस साइड भी करके आती है वो। लेकिन यहाँ से ऊपर जाके तकरीबन कोई 1.5 घंटे का ये रोड है जो आप लास्ट विलेज तक जाते हैं, और उसके बाद फिर आपने कोई 3 से 4 घंटे का ट्रैक है, जिसके बाद आप द टेरेस ऑफ स्कर्दू पे पहुँच जाते हैं, मशहूर रॉक्स आई थिंक। सो ये जो छोटी सी चोंच निकली हुई है ना, ये है मशहूर रॉक्स, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये एक फुल डे एक्टिविटी है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं बल्टी म्यूज़ियम, जो कि हुसैनाबाद में नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ स्कर्दू के साथ ही।
सो गाइस, इस वक्त हम लोग हुसैनाबाद के बिल्कुल साइड पे नीचे करके एक जगह है, वहाँ पे आ चुके हैं। इस जगह का नाम है जिना पार्क स्कर्दू और इस म्यूज़ियम का नाम है यूसुफ हुसैनाबादी म्यूज़ियम। और मैंने इसके बारे में ये सुना कि इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब काफ़ी मेहनत करके चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी की हैं, और वो इस तरह की चीज़ें हैं जो कई इस गाँव के लोगों ने या स्कर्दू के लोगों ने भी पहली दफ़ा देखी थी। सो गाइस, जस्ट टू इंडिकेट कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो बाहर बेल लगी हुई है, अगर दरवाज़ा बंद हो तो आप बेल पर जा सकते हैं, तो अंदर से आ जाते हैं। ये जो है इसका टिकट 200 रुपीस। और अब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। अंदर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है जिसको कहते हैं जिना पार्क स्कर्दू, और बिल्कुल सामने है म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये किसी ने सारा प्राइवेटली इकट्ठा किया? जी सर, ये प्राइवेट है सर। सर वीडियो अलाउ नहीं है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को म्यूज़ियम की तस्वीरें अच्छी लगी होंगी। म्यूज़ियम के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, लेकिन आई ट्राइड कि मैं जितनी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स की तस्वीरें ले सकूं जो यूनिक हैं। अब इस वक्त हम हैं जिना पार्क के अंदर, जो कि सेम प्रॉपर्टी का पार्ट है। जिना पार्क के अंदर चिड़ियाघर भी है, और सामने से अभी हम जाके सरफरंगा का भी व्यू लेंगे जो कि बहुत खूबसूरत आएगा। यहाँ पे छोटा सा एक अम्यूज़मेंट पार्क, बच्चे अगर आएँ तो यहाँ पे खेल सकते हैं। यार दिस इज़ सच ए नाइस प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इकट्ठी, मतलब अम्यूज़मेंट पार्क आपको मिल जाएगा सुकून से बैठने के लिए, कैंटीन भी है अंदर ही, एक वन ऑफ इट्स काइंड म्यूज़ियम है अंदर, मतलब जिसके अंदर इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं जो मैंने अभी तक जो हमने जितने पैलेसेस कवर किए हैं, शिगर, बल्तेत, अल्तेत, खपलू, जितने भी फोर्ट्स हमने देखे हैं उनमें से किसी में भी वो चीज़ें नहीं है जो इस म्यूज़ियम के अंदर हैं। और इस म्यूज़ियम के लिए उस जो यहाँ का ओनर है उसने तकरीबन 20 साल चीज़ें कलेक्ट की हैं, 20 ईयर्स। ऊपर मैं जिस वक्त हुसैनाबाद वाटरफॉल पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जो गाइड बैठा हुआ था वो बता रहा था कि कहता है कि इनके पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमने ख़ुद नहीं देखी। तो मतलब इस लेवल का वो म्यूज़ियम है। तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आप लोगों को आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, मतलब आप फील करते हो इन चीज़ों को, तो आप लाजमी, दिस इज़ अ प्लेस टू बी। बहुत ज़बरदस्त जगह है भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ स्कर्दू, जिस वक्त आप हुसैनाबाद क्रॉस कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कर्दू का बोर्ड आता है, उसके साथ ही लिखा होता है बल्ती म्यूज़ियम। तो बल्ती म्यूज़ियम जो है वो ये वाला म्यूज़ियम है, दी बेस्ट प्लेस। दिस इज़ ऑल सरफरंगा डेजर्ट अगर आप देखें। और इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद धूप है कि आपको वहाँ पर एक टूरिस्ट भी नहीं नज़र आ रहा, शायद वो एक खड़ा हुआ ड्यून्स के पास, लेकिन मेजर टूरिस्ट यहाँ पे इस वक्त आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है।
इस तरह के छोटे छोटे से हट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप सुकून से बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, और फुल ग्रीन, मतलब कई रिजॉर्ट से ज़्यादा अच्छी जगह है ये। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, इस खूबसूरत किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आप लोगों को ये म्यूज़ियम बहुत पसंद आया होगा। मुझे आज सारे दिन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो म्यूज़ियम है, और उसके बाद फिर वो कटपाना और हुसैनाबाद वाटरफॉल, ये दोनों एक जैसी थी, मतलब ये दोनों को एक लेवल के ऊपर मैं रख रहा हूँ। लेकिन द म्यूज़ियम वॉज़ अमेजिंग, और ये पूरी पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उनसे, ये सारी की सारी ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़े किया। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, या आप कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इसमें ऐड अप करना चाहते हैं, या आपने कोई सवाल पूछना है मेरे से इस म्यूज़ियम के बारे में, या जो भी जगह आज हमने विज़िट की हैं उनके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सारों के कमेंट्स को पढ़ूँ, रिस्पॉन्ड करूँ, अगर किसी की सजेशन है तो उसको नोट डाउन करूँ और आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करूँ। So with that being said, thank you for watching, like and subscribe, and I'll see you in the next one. Tab tak ke liye mujhe ijazat dein, apna khyal rakhiyega mere liye, dua kijiyega, Allah Hafiz.